फ्रेंड्स देखिए यही वो डिश है जो हम बोले थे बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। जल्दी जल्दी करिएगा, पूरा छिला जाएगा। कुकर में इसको हम इसमें से साफ कर लेंगे, आरे वो डुबा के कुकर में ना क्या है ना जल्दी हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सभी का जमशेदपुर फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बोले थे ना कि जो डिश बनाएंगे बहुत ही अच्छा फायदेमंद है, डॉक्टर भी सलाह देते, तो आज अब वो डिश मेरे को मिल चुका है, तो आज हम वो बनाएंगे और किस तरीके से बनाते हैं वो भी देखिएगा। चलिए अब हम दिखाते हैं क्या क्या डिश है और क्या उसका नाम है और कैसे बनता है, तो लेट्स गो। फ्रेंड्स देखिए यही वो डिश है जो हम बोले थे बहुत ही अच्छा फायदेमंद है, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर इसी का सलाह देते हैं। ये पैर का मतलब क्या बोलते हो, बकरी में पड़ती है ना, उसका पैर का बोड़ी है, हम लोग बोड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, बस इसी का हम लोग डिश बनाएंगे। अब इसको गर्म पानी में छिलते हैं, कैसे छिलते हैं दिखाते हैं, बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छा होगा। इसको हम लोग गर्म पानी में डुबा लिए हैं, अब इसको हम गर्म पानी जैसे डुबाएंगे ऐसे जल्दी जल्दी करिएगा, पूरा छिला जाएगा। फ्रेंड्स देखिए हम लोग साफ कर चुके हैं, पूरा अच्छा से साफ हो चुका है। अब इसको हम गर्म पानी किए थे, हल्का गर्म है, इसको हम इसमें से साफ कर लेंगे, आरे वो डुबा के और यहाँ पे हम लोग गर्म पानी बैठाए हैं कुकर में, ये इसको हम लोग डाल के उबालेंगे थोड़ा सा, ये वाला हम लोग डाल देते हैं इसमें। उसके बाद इसमें हम लोग नमक और हल्दी डालेंगे और इसका हम लोग सूप बनाएंगे। इसका सूप सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। इसमें नमक और हल्दी दे के ढाक देते हैं, इसको उबलने देते हैं और ये सीझ जाएगा, इसका एक सूप निकलेगा वो दिखाएंगे। वो हम लोग का सीझ रहा है, तब तक हम लहसुन अदरक ये वाला हम छील दिए थे, उसमें हमें बैठे बैठे आपको दिखाई नहीं। और इसमें क्या है, ये है जीरा, इसको भी हम लोग पीसेंगे। इसमें है सर धनिया, हाँ इसमें धनिया, देखिए ये गोटा धनिया है, इसको भी हम लोग पीसेंगे। और ये गरम मसाला, ये सब मसाला को पीस के फिर हम लोग आगे का रेसिपी रेडी करते हैं। ये लहसुन अदरक है, अदरक को थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करके कर दीजिएगा, इसमें ना पीसने में ना बहुत आराम रहता है। और मिक्सर है नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए तेल में पीस रहे हैं, तेल का ऐसे भी टेस्टी भी लगता है और थोड़ा सा मेहनत भी है, हाथ सब पर ये सब जो है ना मेहनत लगता है, लेकिन अच्छा है तेल में पीसने से जो सब्जी का स्वाद है ना वो डबल तिबल हो जाता है। उसके बाद बाकी का भी मसाला पीसते हैं। लहसुन अदरक पिसा गया, देखिए अब जीरा और धनिया पीस रहे हैं। धनिया में थोड़ा मेहनत लगता है, गोटा गोटा रहता है, इसको 3-4 बार कम से कम पीसना पड़ता है, तो नहीं होगा तब अच्छा लगता है। फ्रेंड्स मसाला पिसा गया, बहुत मेहनत लगा मेरे को। अब हम प्याज काट लेते हैं, प्याज ज़्यादा देना चाहिए, अभी हम दुकान में भेजे हैं मेरी सिस्टर को लाने के लिए, जितना प्याज देंगे ना फिर उतना अच्छा ग्रेवी बनेगा और टेस्टी भी लगता है। तो हम ये प्याज काट लेते हैं, इसमें टमाटर भी और देंगे हम, इसमें भी टमाटर भी देना है ज़्यादा मेहनत, और मिर्चा भी हम दिए थे और थोड़ा सा और देंगे। पसंद भी कर रहा है बारिश होने का, और मेरा चावल तो बन चुका है, अभी बस सब्जी थोड़ा सा बाकी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद खाएंगे। और क्या होते हैं फिर मौसम भी हुआ तो काम भी आधा मेरा बहुत सारा बाकी है, वो भी करना पड़ेगा, हमारे बहुत थक गए हैं, जैसे कि पैर उठ टूट जाता है ना, वो हड्डी कमज़ोर हो जाता है, तो जो अभी हम बैठाए हैं जो सूप बन रहा है वो उसका जूस जो पियेंगे ना वो आपका परफेक्ट, आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत कैल्शियम करता है, आपका हड्डी भी मजबूत होगा और जल्दी ठीक भी होगा। क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, उसका भाई का ना एक्सीडेंट में पैर हो गया, तो ये जो पैर होता है ना फ्रेंड्स ये थोड़ा अलग हो गया था, तो वो डॉक्टर बोले थे उनको कि वैसे करके वो पीना, वो लोग नहीं खाती थी लेकिन अभी वो लोग भी खाती है, और उनका पता है फ्रेंड कितना 2 ही महीना में ठीक हो गया। हम बोले कि अच्छा है, मेरा भी अगर भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा किसी का भी होगा तो हम इसलिए बता दे रहे हैं कि ये डिश बना के आप लोग जरूर खाइएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग ने सीख दिया है, अब हम लोग इसको अलग कर देते हैं। देखिए हम लोग ये सीख दिया है, हम लोग इसको अलग करने के बाद ये जो सूप है ना वो ये वाला हम लोग को पीना है, ये वाला डॉक्टर हम लोग को बोलते पीने के लिए। अच्छी तरह से सीख चुका है, कुकर में जल्दी सीझ गया, कढ़ाई में देने में तो लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये वाला सूप है, देखिए
ये सूप है, डॉक्टर हम लोग इसी का सलाह देते हैं इसको पीने के लिए, बोलते हैं ये वाला सूप पीने से मतलब हम लोग का हड्डी जो है ना मजबूत रहता है। ये वाला सूप ठंडा हो रहा है और हम लोग तब तक ये सब्जी, इसका सब्जी बनाने के लिए मसाला भूज लेते हैं, फिर ये वाला सूप ठंडा होगा तो फिर हम लोग पियेंगे। अभी चलते हैं मसाला भूजने के लिए। तेल गरम हो गया, इसमें हम एक मिर्चा डाल देते हैं, सूखा मिर्चा, और उसके बाद ये जो प्याज काटे थे ना वो भी डाल देते हैं, फिर से गर्म होने दीजिए, मतलब मिर्चा को लाल होने दीजिए, लाल तो है ही हल्का। अब डाल देते हैं, अब इसको हम लोग धीमी आँच के हल्का रेड होने देते हैं, भूजते हैं। बारिश आएगा, नल भी खुल गया, हम लोग को पानी भी भरना मेरे को। और देखें किचन भी कितना गंदा हो गया है, घर भी पूरा बिखर गया, घर को सब काम मेरे को करना पड़ेगा। प्याज मेरा लाल हो गया है और ये जो जीरा और धनिया हम पीसे थे अब इसको हम लोग डाल देते हैं और इसको भी हम लोग भूजते हैं, इसको हम लोग तब तक भूजेंगे जब तक इसमें से तेल ही निकल जाए। धीमी आँच पे भूजेगा, ज़्यादा तेज आँच में भूजेंगे तो मसाला ठीक से भुजाएगा नहीं। मसाला भूनिए ना फ्रेंड्स, इतना अच्छा उसका खुशबू आता है, बहुत ही अच्छा लगता, लगता है कि ना सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं, मसाले ही हम लोग खा जाए। और इसको हम लोग भूजते हैं और इधर से टमाटर भी काटे थे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, इसको भी गरम मसाला भी, इसको हम बाद में डालेंगे, अब इसको भूज लेते हैं। ये अदरक लहसुन था और इसको हम डाल देते हैं, इसको भी हल्का से भूजते हैं, क्योंकि हम लोग हल्का हल्का तेल छोड़ ही दिया है। इसको थोड़ा सा अभी अदरक लहसुन डाले, उसको भी भूनना है क्योंकि वो भी कच्चापन रह जाएगा वरना। हम हल्दी डाल देते हैं इसमें और थोड़ा सा कलर होने के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, मतलब कश्मीरी मिर्ची इसको बोलते हैं, तो कलर होने के लिए डाल देते, इसमें तीखापन नहीं रहता बस कलर अच्छा आता है। और ये थोड़ा सा खड़गपुर मसाला है, इसको भी डाल देते हैं टेस्ट आने के लिए। हम लोग इसको भूजते हैं और इसके बाद फिर टमाटर डालेंगे, मसाला को खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है मेरे को, और टमाटर डालते हैं इसके बाद फिर इसको भूजेंगे, टमाटर पकने देते हैं फिर हम वो वाला सब्जी को डालेंगे। देखिए तेल छूट गया मसाला का, इसको थोड़ा सा खाली और भूजेंगे बस हल्का सा 5 मिनट जैसे, और अभी बाहर बारिश भी होने वाला है, देख लेते हैं सूप ठंडा हुआ कि नहीं। ये ठंडा हो गया है, इसको हम ले लेते हैं, अब हम पीते हैं, उसका टेस्ट पता नहीं कैसा है लग रहा है फ्रेंड्स। टेस्ट तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब टेस्ट इसका अच्छा रहता भी नहीं है, लेकिन ये फायदा मैंने, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए वाला मसाला हम लोग को भुजा चुका है पूरा अच्छा से, अब ये वाला जो हम इसको डाल देते हैं और इसको हम लोग अच्छा से भूज देते हैं, मसाला थोड़ा लग गया जैसे, उसके बाद इसको भूजने के बाद थोड़ा पानी डाल के इसको ढपकाएंगे। फ्रेंड्स ये वाला थोड़ा सा अभी सीखना बाकी है, हम गैस अभी बंद कर देते हैं क्योंकि कढ़ाई में सीखने में बहुत टाइम लगेगा, हम सबका डाल के इसको सीझाएंगे, मेरा भी और भी काम है, थोड़ा सा पानी भी बाहर में गिर रहा है, वहाँ भी उनको काम करना पड़ेगा ना घर। कुकर में ना क्या है मटन जल्दी हो जाता है, कढ़ाई का भी टेस्टी लगता है, कुकर से भी टेस्टी लगता है, लेकिन ये सीजता जल्दी है इसमें, इसलिए इसमें डाल रहा है, इसमें पानी भी गिर, कपड़ा भी लाना होगा पूरा भीग जाएगा। जल्दी बना देते हैं, ये चीज रहा है, ये वाला हमने कुकर में डाल दिया है, मसाला भी भुजा दिया है, अब हम इसको पानी डाल के इसको ढक देंगे। देखिए फ्रेंड ज्यादा पानी नहीं डाले हैं, कमी डाले ग्रेवी के लिए, अब इसको हम ढक देते हैं, अब कितनी
के बाद थोड़ा देर बाद सीज जाएगा, फिर हम लोग का ये बन जाएगा। अभी हम जल्दी से किचन उचन साफ भी कर देते हैं, टाइम भी हो गया है, नल भी खुल गया, लाइन भी कट गया और बारिश भी आ गया, तो अब सब हमको ही करना होगा। अब हम जाते काम कर। फ्रेंड्स देखिए बन गया हम लोग का फाइनली, बहुत लेट लगा क्योंकि इसको सीजने में टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बना है। चावल ले लिए, चावल बना लिए थे पहले, अब हम इसको खाते हैं। और शाम भी बहुत हो गया है, हमको अभी पानी भी भरना था, पानी तो भरे नहीं इसको देखने के चक्कर में। अभी खाना खा के फिर काम करेंगे क्योंकि भूख के मारे मेरा हालत ख़राब हो रहा है, इसलिए हम जाते खाने। अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा।